गुड इवनिंग बच्चों, ये प्रीपोजिशंस के एक सीरीज है जिसमें आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में और फिलर्स में, सेंटेंस फिलर्स में और कॉमन एरर्स में जो प्रीपोजिशंस की एरर्स आपको दी जाती वो सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं यहाँ करके देना चाह रहा हूँ। चूंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनमें ये चीज़ें आपके काम आएंगी, तो अगर आप धीरे धीरे तैयार कर लेते हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस के एक सीरीज एक्सरसाइज ऑन प्रीपोजिशंस। पहला क्वेश्चन है आपका, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल डैश इलनेस। चार ऑप्शन हैं आपके सामने दिख रहे होंगे, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल बाय मीन्स ऑफ इलनेस, या ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल इन कोर्स ऑफ इलनेस, या ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, या ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू इलनेस। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन सारे प्रीपोजिशंस की मीनिंग्स याद हो जाएंगे जो मैंने आगे आपको दिया हुआ है। बाय मीन्स ऑफ मीन्स होता है के द्वारा, तो जो यहां पे नहीं होगा। इन कोर्स ऑफ होता है किसी यात्रा वगैरह के दौरान, यहां भी नहीं होगा। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है के कारण, तो आप समझ जाएंगे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी वो बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा रहा है, तो अन अकाउंट ऑफ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मीन्स आप जानते हैं के अनुसार होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ही गॉट सक्सेस डैश हिज हार्ड वर्क, यानी उसने सफलता पाई अपने कठिन परिश्रम, क्या इन केस ऑफ होगा, इन कोर्स ऑफ होगा, अकॉर्डिंग टू होगा, या बाय मीन्स ऑफ होगा? क्या लगता है आपको, ही गॉट सक्सेस क्या होगा? बाय मीन्स ऑफ हिज हार्ड वर्क होगा ना, बाय मीन्स ऑफ मीन्स के द्वारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रेन ही विल नॉट गो टू मार्केट, क्या होगा, इन केस ऑफ रेन, या बाय मीन्स ऑफ रेन, या इन कोर्स ऑफ रेन, या अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल इजी है ना, कर लेंगे आप। इन केस ऑफ रेन, इन केस ऑफ रेन मीन्स की अवस्था में, यानी बारिश की अवस्था में, यानी यदि बारिश होती है तो ही विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगा। तो इन केस ऑफ रेन, इन केस ऑफ मीन्स की अवस्था में, यानी बारिश की अवस्था में, यदि बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हिज जर्नी ही मेट अ लॉट ऑफ पीपल, यानी अपनी यात्रा के डैश वह बहुत सारे लोगों से मिला, क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ होगा, इन कोर्स ऑफ हिज जर्नी होगा, बाय मीन्स ऑफ हिज जर्नी होगा, या इन केस ऑफ जर्नी होगा, क्या होगा, क्या होगा? अपनी यात्रा के दौरान वाला सेंस आएगा ना, तो इन कोर्स ऑफ हिज जर्नी ही मेट अ लॉट ऑफ पीपल। लास्ट प्रश्न आपका है, डैश हिम नो वन कैन विन दिस मैच, यानी उसके उसके क्या कोई भी मैच इस मैच को जीत नहीं सकता है, क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिम, यही हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उसके अनुसार कोई भी इस मैच को जीत नहीं सकता। ऐसे पांच पांच क्वेश्चन छोटे छोटे सेगमेंट्स में, दस दस पांच पांच मिनट्स में आप देख लें, और ये पांचों जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये आगे देख रहे होंगे, मैंने पूरा बना के दिया है, आप इनको तैयार कर सकते हैं कि इनके मीन्स क्या होता है, देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार सारे यूसेज मैंने दिए हैं, इन केस ऑफ अगर यूसेज मैंने दिए हैं, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण यूसेज मैंने दिए हैं, बाय मीन्स ऑफ के द्वारा यूसेज हैं, और इन कोर्स ऑफ के दौरान यात्रा वगैरह दौरान, अगर ये आप कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में स्पेशली क्लोज टेस्ट आपका है जो कॉमन एरर्स है और सेंटेंस फिलर्स हैं, यहां आपके बहुत काम आएंगे। चलिए धीरे धीरे ये चीजें मैं रेगुलरली आपको देता जाऊंगा, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।